रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में रचा है इतिहास। कोटला में उतरते ही लगाए रिकॉर्ड्स की झड़ी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आज 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 9वें मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य पीछे उतरने उतरे भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने महज कुछ ही रन बनाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, दरअसल रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में दुनिया के संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और रोहित शर्मा ने 19 पारियों में वर्ल्ड कप के लिए 1000 रन पूरे किए हैं। दोस्तों, इसके अलावा रोहित शर्मा ने सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने के मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और विराट कोहली ने 1000 वनडे रन का आंकड़ा पार किया है। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी बीच रोहित शर्मा ने नवीन उल हक के खिलाफ छक्का जड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा के नाम अब 560 से भी ज्यादा छक्के हो गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को भी पछाड़ कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना। इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।